हेलो, मेरा नाम राहुल रमन है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे शुक्राणु की संरचना के बारे में, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब ये होता क्या है? बेसिकली स्टूडेंट्स को समझने में बहुत समस्या आती है। डायरेक्ट हमने बोल दिया स्पर्म, अब स्पर्म है क्या? हम डायरेक्ट छत पे तो चढ़ नहीं सकते, हमें जमीन से स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों से हमें ऊपर तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल जीरो लेवल से अगर हम समझे तो आप समझते हो ब्रह्मांड क्या होता है। ब्रह्मांड में एक हमारा ग्रह है, वो है पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर जल भी है और स्थल भी है, मतलब पृथ्वी के अंदर है जल और स्थल, दोनों जगह पर जीव पाए जाते हैं। यहां जलीय जीव, यहां स्थलीय जीव। तो जो भी जीव होते हैं, कोई भी जीव ले लो, आप ले लो डॉग, कुत्ता, कैट, बिल्ली, लॉयन, शेर, कुछ भी ले लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में सभी जीवों का, एक ह्यूमन भी ले लो इंसान, इन सब में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। जैसे मैं राहुल रमन हूं तो कहीं ना कहीं मुझ में भी कोई गुण होगा जिससे हम अपने आप को पहचान सके। हम हमारे शिक्षकों को पहचानते हैं। तो इंसान का कोई गुण होता है या किसी भी जीव का अलग अलग गुण और लक्षण होते हैं जिनसे वो पहचाने जाते हैं। इसी प्रकार सभी जो जीव होते हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण होता है या लक्षण होता है, और वो है प्रजनन। तो जो जीव होते हैं, निम्न श्रेणी के जीवों में होता है आलैंगिक प्रजनन। और जो उच्च श्रेणी के होते हैं, जैसे मानव है, डॉग है, कैट है, लॉयन है, टाइगर है, एक्सेट्रा काफी सारे हैं, उन सब में होता है लैंगिक प्रजनन। और जो लैंगिक प्रजनन होता है, सपोज कीजिए हम अपने आप यानी इंसानों के ऊपर लेके चले, तो लैंगिक प्रजनन के लिए जो है दो जनन इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है, एक मेल और फीमेल। अब हम जनरली हम बात करेंगे इंसानों में यानी ह्यूमन में। तो ह्यूमन में क्या होगा, लैंगिक जनन के लिए हमें दो जो है जनन इकाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट की। तो जो मेल गोनेट होता है, मेल गोनेट, वो है वृषण, या जिसे हम टेस्टिस बोलते हैं, मतलब वृषण। टेस्टिस। और जो फीमेल गोनेट है वो है अंडाशय। जिसे हम ओवरी बोलते हैं, ठीक है? तो ये तो है मेल गोनेट, ये है फीमेल गोनेट। अब इन सब इनसे पदार्थ निकलते हैं, ठीक है? इससे जो मेल गोनेट है उससे निकलेगा गैमेट, गोनेट से निकलता है गैमेट, और मेल गोनेट से निकला मेल गैमेट, और उस गैमेट का नाम है स्पर्म। स्पर्म मतलब शुक्राणु। और जो फीमेल गोनेट है उससे निकलता है ओवम, ठीक है? दोनों को साथ ले लिया। अब दोनों मिलते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है, तो स्पर्म और ओवम मिलते हैं और बनता है क्या? जायगोट, ठीक है? फिर ये भ्रूण बनता है, भ्रूण से शिशु बनता है, और एक जीता जागता व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो हम बेसिकली पॉइंट से भटक नहीं रहे हैं, हम यहां तक समझ चुके हैं कि ऐसा ऐसा होता है। अब जनरली हम इतना याद रखें स्पर्म का। अब ये बात आ गई इस स्पर्म की, किसकी? इसकी। तो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर स्पर्म, मतलब शुक्राणु की संरचना। अब हम इन सब को हटा के जो है स्पर्म की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो जो स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ साइड में बना रखी है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। यानी शुक्राणु की जो संरचना है, अब हम उसे देखते हैं। तो शुक्राणु थोड़ा
जान लेते हैं। तो जो शुक्राणु होता है वो होता है 50 माइक्रोमीटर का, मतलब जो इसका साइज है वो 50 माइक्रोमीटर है, और इसके निर्माण में जो है टाइम लगता है 45 to 61 डेज, यानी 45 से 61 दिन इसके बनने में लगता है। इसके बाद इसका जीवन काल होता है वह है 48 से 72 घंटे या आवर्स, ठीक है। इसके बाद ये इसकी थोड़ी बेसिकली जानकारी हो गई। जो शुक्राणु होता है लंबी पतली सूक्ष्म छोटी सी बेलनाकार किस्म की चम्मच स्पून के आकार की जो है एक रचना है। अब आप यहाँ देख रहे हैं, अब इसके तीन पार्ट है, मतलब हम इसको जब समझे तो हम तीन भागों में समझे। पहला है इतना, ये है टोटल क्या हेड, इधर हमने लिख रखा है, देखिए ये यहां से लेकर यहां तक जो है ये पूरा हेड, हेड या सिर। तो पहला हिस्सा है इसका क्या हेड या सिर, जो कि इतना इतना है। इसके बाद आप इस हेड के ऊपर आउटर लाइन देख रहे होंगे, ये क्या है, तो ये है अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली, हम जानते हैं कि अपन पादप कोशिका पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, और जो है जंतु कोशिका पढ़ चुके, सब में जो है मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली होती है, तो ये शुक्राणु की झिल्ली है। इसके बाद ये हेड है, हेड के ऊपर ये झिल्ली है। इसके बाद आप देख रहे हैं ये रचना क्या है, ये इतनी इतनी ये, तो ये पूरा है अपना एक्रोसोम, ठीक है। ये जो एक्रोसोम है ये जब अभी हमने बात करी थी कि जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं जायगोट के निर्माण के लिए, तो ये स्पर्म जब ओवम के पास जाता है, ये स्पर्म जब ओवम के पास जाता है तो इसकी झिल्ली होती है, और उस झिल्ली को भेदने के लिए जो है ये जब जाता है तो ये जो एक्रोसोम है ये हेल्प करता है उसकी झिल्ली को भेदने के लिए। जब ये हेड जाएगा एक्रोसोम या जाएगा, ये झिल्ली अपने आप हट जाएगी, इससे निकलता है एक एंजाइम, ठीक है, स्पर्म लाइसिन जिसका नाम है, वो एंजाइम निकलता है, और ये जो होता है ये एक्रोसोम ये बनता है किसका, लाइसोसोम, प्लस गॉल्जी बॉडी। लाइसोसोम प्लस गॉल्जी बॉडी का मिलकर बनता है एक्रोसोम, जो कि ओवम या अंडाणु की झिल्ली को भेदने में हेल्प करता है। और ये जो सिर होता है इसकी रचना इस प्रकार की है, ये अनुकूलित होने पर जो है मतलब ये तैरने में हेल्प करता है। जो मानव का वीर्य या सीमेन जिसे हम कहते हैं उसमें शुक्राणु होते हैं, तो ये वहां तैरने में हेल्प करता है। अब ये हो गया अपना हेड, झिल्ली हो गई, एक्रोसोम समझ गया, अभी बीच में क्या रचना है, तो यह पूरी रचना है न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक, जहां से नियंत्रण होता है सब कुछ भी, केंद्रक मतलब कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम होता है उस टाइप का। अब इसके बाद जो है ये हो गया हेड, इसको छोड़ो, अब हेड के बाद ये जो थोड़ी सी जगह इतनी दबी हुई है ये है नेक, नेक मतलब ये मेरा हेड है, हेड के बाद आया नेक थोड़ा दबा हुआ गर्दन, ठीक है। इसके बाद आती है ये हमारी नेक हो गई, ठीक है। इसके बाद तीसरी चीज, हम नेक को ना लिखे तो भी चलेगा, हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया है। ये बीच का फिर इतना पीस, इतना हिस्सा आता है, इसको बोलते हैं मिडिल पीस, ये इधर लिख रखा है हमने मिडिल पीस, ठीक है। तो ये इतना मिडिल पीस है, इसमें क्या होता है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, हेड के लास्ट में एक केनाल जाती है, ठीक है। इसके बाद नीचे जब हम मिडिल पीस में आते हैं तो यहाँ पर इस केनाल के दोनों तरफ चारों तरफ मतलब जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा ग्रह, तो ये इस पूरे स्पर्म को जो है एनर्जी प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा देता है। अब इसने ऊर्जा दी और ये पूरा कार्य कर रहा है, तो ये मिडिल पीस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसके बाद ये जो इसकी केनाल आ रही है, ये आते आते ये फिर इतना हिस्सा है अपना टेल मतलब पूंछ, और ये यहाँ आते आते खत्म हो जाती है, ये पूंछ है जो इसको चलने में हेल्प करती है। तो अपना ये आज का टॉपिक जो है खत्म हो चुका है, शुक्राणु की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। थैंक यू, वीडियो कैसी लगी।